नमस्कार, आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से आप देखें तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का है। तो हमने कहा था कि एक तरीका हमेशा ये रहेगा आपके पास कि जब भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का कुछ मिले इंटीग्रल के अंदर, तो आप x को a साइन थीटा या फिर x को a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वही काम करते हैं फिर से। मेरा फेवरेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, कॉस थीटा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी तक तीन प्रॉब्लम में यही यूज़ किया है, तो आप भी करें, अलग करके देखें, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हाँ आंसर में फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो फिर इंटरचेंजेबल हो जाता है। आप उसको वापस एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा, पता ही होगा sin थीटा का डेरिवेटिव। अच्छा, तो इंटीग्रल पे वापस आए तो x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 3a sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब ध्यान दे, बार बार मैं ये गलती कर देता हूं ऐसे, कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से इसको कंपेयर करें तो a 1 है। ठीक है, तो a 1 होगा, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, स्पेस ज्यादा हो गया आप, और नीचे 1 माइनस a, फिर से 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो इतना हो गया। dx के जगह पे भी तो कुछ डालना है, वो है cos थीटा d थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, अगर वो रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा के फॉर्म में आएगा, जो कि ऊपर वाले cos थीटा को कर देगा कैंसिल। आप चाहते तो मैं उसको भी दिखा देता हूं करके। ठीक है, नाउ वी कैन सेपरेट द इंटीग्रल। हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इसे लिख सकते हैं, 3 बाहर लेके साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, और प्लस इंटीग्रल डी थीटा सिंपली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 डी थीटा का, तो सिंपली हमारे पास थीटा बाई 2 हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो पॉजिटिव में आता है, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ साइन 2 थीटा बाई 2 तो आएगा ही इस 2 के कारण, और एक और 2 आएगा जब हम अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। तो 2 थीटा को डिनोमिनेटर, 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करो 2 आएगा, तो वो डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, तो प्लस 3 कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब थीटा बाई 2 को कलेक्ट कर लो, बाकी ये साइन 2 थीटा बाई 4 को है। तो ठीक है, थीटा बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 plus 1, 3 by 2 minus, अब ये इसको लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta और ये है 3 times cos theta। अच्छा, हमने क्या माना था, x को sin theta माना था,
थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो 3/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, -1/2 साइन थीटा तो एक्स हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा को हम 1 - sin² थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 - x² प्लस 3 अगेन कॉस थीटा, बस यही होना चाहिए आंसर, 3/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और फिर एक्स अंडर रूट 1 - x² / 2 और फिर 3 टाइम्स अंडर रूट 1 - x, ठीक है। तो आसान था, फिर से मैं बोलूंगा क्योंकि कुछ खास था नहीं। इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स तो यही बोल सकता हूं मैं, अगर आप इस सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे, आप किसी और से करना चाह रहे हैं तो वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप लगाना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता इस क्वेश्चन को अगर देखे तो। बस एक्स को साइन थीटा लो या एक्स को कॉस थीटा लो, क्योंकि ये तो वन ही है, और आगे बढ़ते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे और क्वेश्चन तो आपको मिलते ही रहेंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।